गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे आशा करता हूँ कि आप सभी के एग्जाम्स बहुत अच्छे गए होंगे, जो पीरियोडिकल एग्जाम्स हुए और आपने मेहनत की होगी एग्जाम्स के लिए। लगातार हमारी कोशिश रहती है कि आपसे संपर्क बनाएं और आप फिर एक दोबारा मैं आप सभी से एक निवेदन करूंगा कि रेगुलर जो आपकी क्लासेस होती है ऑनलाइन क्लासेस लाइव क्लासेस उनको आप अटेंड कीजिए। मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ आपसे सभी से संपर्क बनाने के लिए कॉन्टैक्ट में। जिन स्टूडेंट से एक बार संपर्क हो गया और उन्हें कह दिया कि बेटे रेगुलर आप क्लासेस अटेंड करते रहिए, साथ में वीडियोस को देखते रहिए, तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप उस काम को करोगे। लेकिन ऐसा देखने में आया है, इस तरह का हमें पता लगा है कि आप रेगुलरली कंटिन्यूस इन ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस वीडियोस को नहीं देख रहे हैं। इसका परिणाम यह होता है कि आप अगर किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी टॉपिक का शुरुआत नहीं देखी, अगर कोई एक वीडियो देखते हैं तो आपको पूरी उस टॉपिक के बारे में समझ विकसित नहीं होगी। तो एक बार फिर मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप रेगुलर वीडियोस को देखिए, रेगुलर लाइव क्लासेस अटेंड कीजिए। आज का अपना चैप्टर है, आपका थर्ड चैप्टर है, ठीक है ना, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। चैप्टर है नियोजित विकास की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। बेटे इससे पहले हमने बात किया था कि किस तरह से जो हमारा जब देश आजाद हुआ तो कौन कौन सी सबसे बड़ी समस्याएं थी देश के सामने। हमने उसमें बात किया था कि सबसे पहली जो समस्या थी देश को एक रखने की चुनौती थी, राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी कि देश जैसे ही अपना देश आजाद हुआ तो आजादी इस तरह की परिस्थितियों में मिली के देश के दो टुकड़े हो गए, भारत और पाकिस्तान के रूप में दो नए देश बने। इसी के साथ में फिर सेकंड जो समस्या थी कि कैसे हमारे देश के अंदर जैसा सपना देखा था हमारे देश के नेताओं ने जिन्होंने देश को आजादी दी, उनका एक सपना था कि हम अपने देश जैसे ही हमारा देश आजाद होगा तो वहां पे लोकतंत्र एस्टेब्लिश करेंगे, वहां पर प्रजातंत्र होगा, डेमोक्रेसी होगी, लोगों का शासन होगा, प्रत्यक्ष रूप से लोग चुनाव करके अपने प्रतिनिधि चुनेंगे और वो देश की सरकार बनाएंगे, उस हिसाब से देश का शासन चलेगा। ये हमने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा कि राष्ट्र निर्माण की चुनौती क्या क्या थी, फर्स्ट चैप्टर में देखा। उसके सामने आपके लोकतंत्र को एस्टैब्लिश करने के बारे में हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा कि कैसे आपके यहाँ पे चुनाव कराने एक बहुत बड़ी समस्या थी और किस तरह से इस समस्या का जो इलेक्शन कमीशन ने सामना किया, किस तरह से सभी के वोट्स वगैरह के बारे में जो भी डिसीजंस लिए, किस तरह से सबके मतदाताओं तक वोट बनाने की नीति हो, या फिर और बहुत सारी समस्याएं जो एक नए चुनाव आयोग के सामने आती है उनको किस तरह से देश ने समझा और किस तरह से इस समस्या का समाधान किया। आज जो तीसरी समस्या थी, देश तो आजाद हो गया, देश के सामने तीसरी सबसे बड़ी समस्या थी विकास की, डेवलपमेंट की, कि देश के अंदर विकास किस तरह से हो, सबको विकास का फायदा मिले। पहले कुछ अमीर थे, वो बहुत ज्यादा अमीर थे, और ऐसे गरीब शोषित पीड़ित लोग थे जिनको विकास नहीं मिला था, वो हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप से उनको विकास का फायदा नहीं मिला, वो काफी अपने ही देश के लोगों से काफी पीछे थे। आज उसी के बारे में बात करते हैं कि देश जैसे आजाद हो गया तो ये जो किस तरह से आप प्लान करते हैं, कैसे विकास की तरफ पहुंचते हैं, इसी के बारे में आज जो हमारा टॉपिक होगा। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे बेटा कि नियोजन है क्या, ये प्लानिंग जो पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, नियोजित विकास की राजनीति है क्या, इसको हम समझने वाले हैं कि नियोजन क्या है। नियोजन का मतलब क्या है, आपके पास में जो उपलब्ध संसाधन है
जितने भी आपके पास संसाधन है, जैसे भारत देश आजाद हुआ तो भारत देश के सामने क्या उपलब्ध संसाधन थे भाई? कुछ तो जो देश के अंदर ऐसे कुछ राज्य थे बेटे, जैसे बात करें उड़ीसा, जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज जो प्राकृतिक संसाधन है वो काफी उपलब्ध मात्रा में, काफी बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में वहां पर थे। इसी के साथ में भूमि जमीन है, जमीन हमारे देश में थी, तो उसका उपयोग किस तरह से करें कि आप जो भी आपके पास में नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन है, उनका कैसे श्रेष्ठतम प्रयोग करें, अच्छे से अच्छी तरह से इस्तेमाल करें, जिसके लिए भविष्य की योजना बना पाए। भविष्य की योजना किस तरह से हो कि सभी को इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फायदा मिले, ठीक है ना, समाज के सभी वर्गों को जो भी आर्थिक विकास है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक है ना, आर्थिक विकास, तो आर्थिक विकास का सभी को बराबर फायदा मिले, सभी समाज के सभी वर्गों को। और साथ ही साथ जो अपने देश के सामने समस्या थी, बेरोजगारी की समस्या, रोजगार उपलब्ध हो सभी को, रोजगार उपलब्ध करने वाली समस्या, ठीक है ना, तो ये सारा हमने देखना था, प्लान इस तरह से करना था। भविष्य के लिए हमें योजना बनानी थी, कैसे आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहे, ठीक है ना, आर्थिक व्यवस्था आपकी स्टेबल रहे, ये सारा का सारा सोचा जाना था इस पर, ठीक है ना। अब भारत के विकास का अर्थ समझते हैं। हर देश जब अपने देश आजाद होता है तो एक इकोनॉमिक पॉलिसी तैयार करता है, कैसे देश के अंदर हमारे देश में विकास होना था। अब ये आर्थिक संवर्धि, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय को केवल व्यवसायी, उद्योगपति व किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। देश के अंदर हमें विकास करना है और हम ये भी चाहते हैं कि विकास का फायदा हर वर्ग को मिले, चाहे वो गरीब हो, शोषित हो, पीड़ित हो, ठीक है ना, सबको सामाजिक न्याय मिले। तो हम किसी उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट या जो जमींदार है जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है, उनसे हम ये होप नहीं कर सकते कि वो अगर उनके पास में विकास के लिए जो भी डेवलपमेंट का उनको दे दी जाए जिम्मेवारी, तो वो सबको बराबर से विकास दे। इसके लिए बेटा आवश्यकता है कि सरकार का इंटरफेरेंस होना, सरकार इसको नियोजित करे कि कौन कौन से जो क्षेत्र हैं जिसके अंदर सरकार का हस्तक्षेप जरूरी है, सरकार जहां पे इंटरफेयर करे। नहीं तो जिसके पास में भूपति है, जो भूमि के स्वामी है, दूसरों को कैसे विकास होने देंगे? जो इंडस्ट्रीज है, जो उद्योगपति है, उससे आप कैसे होप कर सकते हो कि वो जो गरीब और समाज जो पिछड़े लोग हैं उनके विकास पे ध्यान दें? तो इसमें हमने देखना था भारत के अंदर जो विकास का अर्थ क्या था, कि सभी विकास, सभी का बराबर से सामाजिक न्याय मिले, सभी को विकास का बराबर अपॉर्चुनिटी मिले, ये सोचा जाना था। तो इसमें सरकार की भूमिका होनी थी, विकास का पैमाना। अब विकास का पैमाना क्या हो, विकास के पैमाने कौन कौन से थे उस वक्त हमारे सामने? देखो भाई, उस टाइम विश्व के अंदर दो ही महान देश थे, जैसे बात करें क्या तो सोवियत रूस था, ठीक है ना, जिसको यूएसएसआर के नाम से जानते थे, ठीक है ना, या फिर आपके पास में यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है ना। अब इनके जो विकास के पैमाने अलग अलग थे, सोवियत रूस क्या था, वो जितने भी जो इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग धंधे हैं, उसके ऊपर सरकार का नियंत्रण रखने के पक्ष में थे कि जितना भी उत्पादन के जो भी संसाधन है, फैक्ट्रीज हो, जमीन हो, सब कुछ, उसके ऊपर पूर्ण रूप से सरकार का नियंत्रण हो, ये सोचना था। सोवियत रूस की जो कम्युनिस्ट विचारधारा है उनका इस तरह का सोचना था। दूसरी तरफ हमारे पास में यूरोप के देश कहिए या फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका और यूरोप के पश्चिमी देश, ठीक है ना, एक तरफ पश्चिमी देश है। अब ये पश्चिमी देशों का विकास का क्या पैमाना है, ये भी बात करने वाली है। पश्चिमी देशों का सोचना था कि आर्थिक उदारीकरण पे जोर दिया जाए, सबको किसी सरकार का नियंत्रण ना हो उत्पादन के साधनों पे,
सरकार कम से कम इसमें हस्तक्षेप करे, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो जमींदार हैं, उनकी जो जमीन है, जो जितनी मेहनत करे उसको उसका फल मिलना चाहिए। लेकिन हमारे देश भारत में अगर हम यही किसी एक व्यवस्था को नहीं चुन सकते थे, हम पूरे उत्पादन के कंट्रोल के ऊपर जो सोवियत रूस जैसे कम्युनिस्ट कंट्री थे उनकी पॉलिसी को हम नहीं अपना सकते थे, ठीक है ना। और ना ही पश्चिमी देश जो उदारीकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर दूसरे देशों से कंपनी आए, हमारे फैक्ट्रीज लगाए, इस तरह की भी हम पॉलिसी को नहीं अपना सकते थे इस कंडीशन में, क्योंकि हम विकास के मायने में काफी पिछड़े हुए थे। असमान रूप से विकास हो रहा था, बहुत कुछ लोग बहुत गरीब थे, बहुत कुछ अमीर थे। तो हमको अगर समान रूप से विकास करना है तो हम ये दोनों तरीके ना अपना के, ना तो हम विकास का मॉडल उदारवादी मॉडल है जो कि हमने बात की यूरोप के देश पश्चिमी देश हैं उसको अपना सकते थे, और ना ही हम समाजवादी मॉडल जो आपके सब में समाज सब समान रूप से हो, समाज में जितने भी ग्रुप हैं वर्ग हैं उनको विकास का समान रूप से फायदा मिले वो भी नहीं अपना सकते थे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। अब आप बताइए अगर विकास का सबको बराबर ही फायदा मिलेगा तो फिर जो मेहनत ज्यादा कौन करेगा, क्यों करेंगे भाई? मैं मुझे बगैर मेहनत किए हुए भी बराबर विकास का आनंद मिल रहा है, और कुछ लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो दोनों को अपनाना अपने आप में एक समस्या थी भारत के सामने। तो उन्होंने एक मिश्रित जो कह सकते हो अर्थव्यवस्था को अपनाया, उन्होंने पूंजीवादी मॉडल को भी अपनाया और समाजवादी कि भाई हम इंडस्ट्रियलाइजेशन लाएंगे, विकास करेंगे, इसी के साथ 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 में हम सामाजिक न्याय की भी बात करेंगे, दोनों को ध्यान में रखकर काम करेंगे। इस तरह की प्लान के साथ भारत आगे बढ़ रहा था। इसमें किस तरह की समस्याएं थी, देखो बेटा आप अगर देखेंगे तो हमारे देश में उस वक्त दो ही उत्पादन के सोर्स थे, या तो एक प्राकृतिक संसाधन थे नेचुरल रिसोर्सेज जहाँ पे आयरन ओर या स्टील का उत्पादन होता था, आप एग्जांपल के लिए उड़ीसा को ले सकते हो, या फिर भूमि के ऊपर कुछ लोगों का अधिकार था, आधिपत्य था, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे जमींदार वर्ग के लोग थे जिनके पास में ज्यादातर भूमि के वो स्वामी के रूप में थे, मालिक थे, और एक तरफ दूसरे समाज के लोग थे जिनके पास बिल्कुल खाने के लिए अनाज नहीं था ना जमीन थी। तो इन दोनों के मध्य का हमें चलना था, और अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना है तो कहाँ पे ये प्राकृतिक जो संसाधन थे, उड़ीसा में ऐसे आदिवासी इलाके में प्राकृतिक संसाधन मिल रहे थे जैसे, तो वहां पर जो आदिवासी लोग हैं वो इतने स्किल्ड नहीं थे कि उनको जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में उनको वहां पर रोजगार के अवसर दिए जाए, उनको वहां से विस्थापित किया जाना था, अगर इंडस्ट्रीज वहां पे लगानी थी तो उनको वहां से हटाया जाना था जो बेचारे जिंदगी भर से वहां रह रहे थे। तो एक तरफ तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उद्योगपति है उनके विकास का एक अलग पैमाना था, अलग सोचना था, वो फैक्ट्री उद्योग और शहरीकरण की तरफ विकास की तरफ ध्यान दे रहे थे। उसके दूसरी तरफ अगर देखो तो बेचारे ये लोग जहाँ जिस जमीन पर विकास किया जा रहा है उनको कोई मॉडल का कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो इस तरह के अपने आप में काफी मतलब अंतर्द्वंद था किस तरह का विकास हो। इसके बारे में हमें विकास करना, इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना है तो हमको इन्वायरमेंटलिस्ट हैं उनसे भी विचार करना होगा, जो पर्यावरण से जो पोल्यूशन से रिलेटेड समस्या है उनसे भी बात करी जानी थी। इसी के साथ में हमें बात करनी थी जो आर्थिक एक्सपर्ट्स थे, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स थे, उनसे बात की जानी चाहिए कि कौन सा विकास का जरिया, और साथ ही साथ हमें इस पर भी ध्यान देना था कि आप इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स से उनके व्यू ले सकते हो, आप जो इन्वायरमेंटलिस्ट है पर्यावरणविद है उनसे आप कैसे पोल्यूशन को कंट्रोल करते हुए विकास करना इनका ले सकते हो,
लेकिन आप इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि हम देश के अंदर प्रजातंत्र स्थापित कर रहे हैं और प्रजातंत्र में जो चुने हुए प्रतिनिधि है जिसको जनता चुन के ला रही है उनके जो विचार है जनता, हम जो जनता की सोच है जो प्रतिनिधि चुन के आ रहे हैं उनकी सोच को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो एक विकास का ऐसा हमने सपना देखना था जिसके अंदर सभी का विकास हो। कितने हम सफल हुए आगे देखते हैं। आज के इस टॉपिक में हम इतना ही करेंगे। तो आपने देखा क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, प्लानिंग किस तरह से करते हैं, सबको विकास का फायदा मिले, ठीक है ना, रोजगार का अवसर मिले और साथ ही साथ जो जितने भी संसाधन है उनका कैसे आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हो इसके बारे में सोचना। और विकास का अर्थ हमारे देश के अंदर, अगर विकास का अर्थ हम किसी उद्योगपति कोई विकास करने के लिए कहें उससे उम्मीद नहीं रख सकते कि वो सभी वर्गों का समान रूप से करें, ठीक है ना, जमींदारों से हम नहीं कर सकते। हमें इसके विकास का पैमाना जो है सरकार की उसमें क्या भूमिका रहने वाली है ये देखना है। और क्या विकास का पैमाना हमें पश्चिमी देशों का अडॉप्ट करना चाहिए जहाँ पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को काफ़ी महत्व दिया, या फिर हमें जो सोवियत रूस या फिर कहें और दूसरे जो समाजवादी देश हैं उनके विकास की। हमारे देश के अंदर अलग अलग पार्टियां थी, अलग अलग दल थे, तो कुछ जो उस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इवन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का सोचना था कि हमें समाजवादी व्यवस्था के ऊपर ध्यान देना चाहिए, विकास समान रूप से सबको मिले। और इसी के साथ में जो केरल हो गए, पश्चिमी बंगाल हो गया, यहाँ पर कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे, ठीक है, इनका भी यही सोचना था, चाहे सोशलिस्ट विचारधारा के लोग हैं, समाजवादी लोग हैं हमारे देश में, उनका भी यही सोचना था कि विकास का जो आधार हो वो सोवियत रूस की जो जो प्रणाली है उसको अपनाया जाए, आर्थिक विकास के जितने भी संसाधन है उसके ऊपर सरकार का कंट्रोल रहे, नियंत्रण रहे। लेकिन हमने ऐसा नहीं चुना, हमने दोनों के मध्य का मार्ग चुना, हमने समाजवादी मॉडल है सोवियत रूस उसको भी अडॉप्ट किया और उदारवादी मॉडल है जो यूरोप, पश्चिमी यूरोप के देश, पश्चिमी देश जिसको बोलते हैं, यूरोप के देश है, चाहे अमेरिका कहें या फिर पश्चिमी यूरोप के अन्य देश है उनके मॉडल, ठीक है ना। तो आप ये टॉपिक मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अगले टॉपिक में फिर हम एक नए टॉपिक के साथ में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।